हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये आप देख रहे हैं क्यूने स्लीक एंड शाइन रिबॉन्डिंग कंडीशनर, इसका मैं आपको रिव्यू दूंगी आज। ये हेयर केयर प्रोडक्ट है तो इस वीडियो में इसको रिव्यू करेंगे। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगी, कैसे इसको यूज करना है, कौन से हेयर्स पे इसको यूज करना है, साथ साथ इसके रिजल्ट्स भी देख लेंगे। और अभी आप इसकी पैकेजिंग देख लें, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, काफी स्टर्डी है, आप देख भी सकते हैं। और ये क्यूने ब्रांड का है, क्यूने एक रिनाउंड ब्रांड है हेयर केयर में। प्राइस की बात करें तो मैंने इसको 850 रुपीज में लिया है, कहीं से ये आपको 900 में भी मिल सकता है, 950 में भी मिल सकता है, और हो सकता है आपको 800 रुपीज में भी ये मिल जाए। ये टब टाइप कंटेनर है और कुछ इस तरह से इसके अंदर प्रोडक्ट है। ये क्रीम टाइप है। नॉर्मली कंडीशनर्स जो होते हैं वो रनिंग कंसिस्टेंसी में होते हैं, जबकि ये क्रीमी फॉर्म में है। ये थोड़ा सा थिक कंडीशनर है, ये कंडीशनर क्रीम है एक्चुअली। और ये 200 ml है इसके अंदर, इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml है। आई विश के ये इससे ज़्यादा होती। प्राइस और ब्रांड को कंसीडर करें हम तो पैकेजिंग हम इस तरह की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड भी अच्छा है और इसकी प्राइस भी हमने पे किया है, तो उसके हिसाब से इसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये इसके ऊपर मेंशन भी है, ये रिबॉन्डेड हेयर, स्ट्रेटेंड हेयर और कर्ल्ड हेयर, यानी कि हर तरह के हेयर्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे स्ट्रेटेंड हेयर हैं, मेरी इस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो चले इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको डैम्प हेयर पर अप्लाई करना है। कंडीशनर आप कोई भी अप्लाई करते हैं वो ऐसे ही अप्लाई करते हैं, या तो फ्रेशली वॉश्ड हेयर पर अप्लाई करें या फिर डैम्प हेयर पे अप्लाई करें। डैम्प हेयर का मतलब होता है गीले बाल। जो नॉर्मली आपको शैम्पू के साथ पेयर में कंडीशनर मिलता है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्रीम कंडीशनर है, ये बिल्कुल किसी हेयर मास्क की तरह लगता है, एज यू कैन सी। और अब मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। मैं इसको एंड्स से अप्लाई करूँगी, एंड्स से, अपने हेयर्स के एंड्स से स्टार्ट करूँगी, फिर रूट्स की तरफ आऊँगी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करूंगी। मेरे नीचे से एंड से जो है बाल ज़्यादा डैमेज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरे स्ट्रेटन हेयर हैं, लेकिन एक्सेसिव हेयर कलरिंग की वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं, स्पेशली एंड्स से ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, जिसे रूखापन। अब मैं रूट्स पे आ गई हूँ। रूट्स से जो है मेरे बालों की कंडीशन जो है वो ऑलरेडी कुछ बेटर है, लेकिन मैं फिर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको चेक करना चाहती हूँ। अगर आपके स्ट्रेट हेयर हैं तो रूट्स पे कंडीशनर अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। जिनके कर्ली और वेवी हेयर्स हैं वो फुल हेयर्स पे इसको अप्लाई करें। अब मैं वाइट टूथ कॉम ले रही हूँ, इससे मैं अपने हेयर्स पे फॉर्मिंग करूँगी। इससे जो है प्रोडक्ट सारे बालों में लग जाएगी, मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने बालों को 20 मिनट्स तक ऐसे ही रखूँगी और उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को एयर ड्राई कर लिया है और रिजल्ट आपके सामने हैं। रूट्स से मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट थे, तो कोई ख़ास फ़र्क मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, और एंड्स पे मैंने देखना था, लेकिन ये एक नॉर्मल कंडीशनर के तौर पे ही इसने काम किया है। इस हिसाब से इसकी प्राइस है और ये एक ब्रांड है, उस हिसाब से इसने काम नहीं किया। ये एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट है, 300 या 400 रुपये में इससे बहुत अच्छा कंडीशनर आपको मार्केट में मिल जाएगा। मेरे अभी स्ट्रेट हेयर हैं तो ये वेवी और कर्ली हेयर पे तो मुझे लगता है बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो ये ओके प्रोडक्ट है नॉर्मल हेयर्स के लिए, यही रिव्यू है, ये कोई खास प्रोडक्ट नहीं है। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।